और गाइज तो मैं हूँ रॉकी और आप देख रहे हैं इलीट मनिया ओरिजिनल। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम WWE के अंदर रेंडी ऑटम के पॉसिबल रिटर्न को लेकर बात करेंगे। वेल गाइज अगर आप लोग WWE को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो गाइज आप लोग को मालूम होगा कि पिछले काफी महीनों से रेंडी ऑटम WWE के शो पर अपीयर नहीं हुए है। और गाइज यहाँ पर WWE के फैंस वाइपर को देखने के लिए काफी बेचैन है। बट गाइज यही अब रेंडी ऑटम के WWE में रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि करंटली WWE के बैक स्टेज के ऊपर WWE के बहुत सारे रेसलर्स ने इस चीज को लेकर रूमर सुने गए कि रेंडी ऑटम शो पर वापस आने वाले गए। और गाइज क्योंकि यहां पर रेंडी ऑटम मेडिकल तौर पर पूरी तरह से फिट हो चुके गए, तो गाइज यहां पर रेंडी ऑटम मेडिकली WWE पर रिटर्न होने के लिए पूरी तरह से क्लियर है। बट गाइज जहां तक बात रही रेंडी ऑटम के रिटर्न होने की, तो गाइज फिलहाल WWE के मैनेजमेंट के अंदर WWE ने अभी तक रेंडी ऑटम के रिटर्न होने के लिए कोई भी प्लान नहीं तैयार किया है। और गाइज यहां पर जब तक WWE रेंडी ऑटम के रिटर्न होने के लिए कोई सॉलिड और बड़ा प्लान तैयार नहीं कर लेते गए, तब तक तो रेंडी ऑटम WWE के शो पर अपीयर नहीं होने वाले गए। बट गाइज यहां पर यह चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि रेंडी ऑटम मेडिकल तौर पर रिटर्न होने के लिए पूरी तरह से क्लियर है। और गाइज इस समय WWE के प्रोड्यूसर रेंडी ऑटम के रिटर्न होने के लिए स्टोरी लाइन को तैयार कर रहे गए। और गाइज जैसे ही ये वाली स्टोरी लाइन तैयार होती गए, रेंडी ऑटम WWE के शो पर उनका शॉकिंग रिटर्न करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि रेंडी ऑटम रेसलमेनिया से पहले WWE पर अपीयर होते गए या फिर रेंडी ऑटम रेसलमेनिया पर ही WWE में रिटर्न करते गए। वेल गाइज आप लोग इस साल रेंडी ऑटम को रेसलमेनिया पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।